नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ज्ञानदूत 2.0 सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन विषय में संगठन के जो सिद्धांत हैं, जो सीरीज़ चल रही थी, संगठन के अनेक सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया, उसमें आज हम एक नए सिद्धांत पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन के बारे में जानेंगे। सुपरविजन, सुपर प्लस विजन, सुपरविजन जो है देखने की उच्च दृष्टि, यानी कि आप एक संगठन में किस प्रकार से संगठन का संचालन होना है, किस प्रकार से संगठन में कंट्रोल होना है, नियंत्रण होना है, ये सब सुपरविजन से निर्धारित होता है। यानी सुपरविजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल अफेक्टिवली ऑल द प्रोग्राम्स आर रनिंग इन अ गुड वे, रनिंग इन अ टाइम एंड कॉस्ट वे। तो पर्यवेक्षण जो है किसी भी संगठन में जो नीतियाँ होती हैं, कानून होते हैं, योजनाएं होती हैं, वो जितना महत्वपूर्ण एक प्लानिंग होती है, उसी प्रकार जो संगठन में जो संचालन है, नियंत्रण है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो संचालन को और नियंत्रण को जो रेगुलेट करने वाली जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो है सुपरविजन। यानी कि उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी के जो कार्य हैं उनकी जाँच करना और उस समय समय पर यथावश्यक जो सुधार होना या परामर्श देना, वह क्या कहलाता है? सुपरविजन कहलाता है। यानी एक सिंपल डेफिनेशन में हम बात करें तो उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी के कार्यों की जांच करना और यथावश्यक परामर्श प्रदान करना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं मीनिंग की। वास्तविक रूप में जो पर्यवेक्षण की अनेक डेफिनेशंस अनेक चिंतकों द्वारा दी गई है, हम टेरी और फ्रैंकलिन की जो डेफिनेशन है उसे ध्यान रखेंगे। तो इसका टेरी कहते हैं, पर्यवेक्षण का अर्थ बताए गए कार्य को पूरा करने के लिए कार्मिकों तथा अन्य साधनों के प्रयासों को दिशा और निर्देश देने से है। यानी कि कार्य को पूरा करने के लिए कार्मिकों को जो दिशा और निर्देश, डायरेक्शन दिया जा रहा है और जो निर्देश दिए जा रहे हैं, वही क्या है? सुपरविजन कहलाता है। अब सुपरविजन में बहुत सी बातें सम्मिलित है, बहुत सी बातें जो हैं सुपरविजन में आती है, जैसे जो कार्य किया जाना है उसमें उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाए, एप्रोप्रिएट चूज एप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दैट वर्क, और उस कार्य को करने के प्रति उस व्यक्ति में रुचि पैदा की जाए, यानी कि उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस कार्य को करने का। दूसरा है कि उस कार्य को करने की जो गति है या जो स्टैंडर्डाइजेशन है, कार्य मापन है, उसे भी निर्धारित किया जाए कि कितने समय तक वो कार्य हो जाना चाहिए और टाइम एंड कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए संगठन में उस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है, ये भी पता। और जब वो कार्य चल रहा है या वो कार्य जब संपन्न हो रहा है तो उसमें सुधार की क्या जो सुधार जो किए जा सकते हैं या जो गलतियाँ हैं, वो त्रुटियाँ जो हैं, वो कैसे सुधारी जा सकती है, वो भी पर्यवेक्षण में शामिल होती हैं। यानी जो पर्यवेक्षण है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अंग है संगठन के सिद्धांतों में, और बहुत ही एक प्रैक्टिकल जो एक हम देखते हैं प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि संगठन में किस प्रकार जो है सुपीरियर द्वारा सबॉर्डिनेट्स का जो पर्यवेक्षण किया जाता है वो किस प्रकार से होता है। तो सुपरविजन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कंट्रोल करने की। अब बात करते हैं विशेषताओं की, कैरेक्टर्स क्या हैं। तो संगठन में अगर देखा जाए तो पर्यवेक्षण कोई एक समय पे या अचानक से इंस्टेंट होने वाली कोई बात नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सुपरविजन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सतत प्रक्रिया है। साथ में ये एक दोहरी प्रक्रिया भी है। दोहरी प्रक्रिया कैसे है? जैसे इसमें समय समय पे जब कार्य हो रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, तो दिशा निर्देश तो दिए ही जाते हैं, साथ में अगर कार्य संपन्न होते वक्त कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनमें सुधार के लिए जो परामर्श भी दिया जाता है, यानी उसका निरीक्षण भी किया जाता है। तो दिशा निर्देश के साथ निरीक्षण करना, ये एक इसे दोहरी प्रक्रिया बनाता है। तीसरा है कि संगठन के जो लक्ष्य हैं उनकी जो प्राप्ति है, समन्वय है, अनुशासन है या कार्मिकों की सहायता है, बेसिकली ये इसके पर्यवेक्षण के एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। कार्मिकों की सहायता करना, पर्यवेक्षण के जो लक्ष्य है वो क्या है? कार्मिकों की सहायता करना, संगठन में समन्वय की स्थापना करना, संगठन में अनुशासन को बनाए रखना, संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये सभी पर्यवेक्षण के लक्ष्य हैं। चौथा है, ये एक
संकीर्ण अवधारणा नहीं है, एक व्यापक अवधारणा, इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट जो कि संगठन के उद्देश्य, कार्य की जो प्रकृति है और पद सोपान की जो स्तर है उनसे प्रभावित होता है। यानी कि संगठन के जो लक्ष्य हैं वो कैसे लक्ष्य हैं, किस प्रकार के लिए, किस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए संगठन का निर्माण हुआ है, तो संगठन के उद्देश्यों से जो सुपरविजन है वो प्रभावित होता है। और कार्य की प्रकृति कैसी है, सिंपल कार्य की है, टेक्निकल है, किस प्रकार जो है संगठन के कार्य की जो प्रकृति किस प्रकार की है उससे भी पर्यवेक्षण प्रभावित होता है। और साथ में पद सोपान जो स्तर हैं, कितने स्टेप्स में, कितने वर्गीकरण है एक पद सोपान में संगठन में, तो पद सोपान के स्तरों से भी जो है पर्यवेक्षण जो है प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं विजन की, दृष्टिकोण की। तो पर्यवेक्षण जो है कई बार नकारात्मक भी दिखाई देता है, कई बार सकारात्मक दिखाई देता है। यानी कि जो पर्यवेक्षण के को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें दो दृष्टिकोण निकल के आते हैं, पॉजिटिव सुपरविजन और नेगेटिव सुपरविजन। पॉजिटिव जो सुपरविजन है ऑब्वियसली वो एक अच्छा तरीका है सदस्यों को कार्य की जो सर्वोत्तम, यानी जो सबसे अच्छी जो दशाएं हो सकती है, सर्वोत्तम दशाएं प्रदान करना, उनका ध्यान रखना, मार्गदर्शन प्रदान करना, अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो समय समय पे उन्हें अवगत कराना और उन गलतियों को बिना पनिशमेंट के उनकी गलतियों को सुधरवाना, तो ये पॉजिटिव पर्यवेक्षण कहलाता है। नेगेटिव जो पर्यवेक्षण है ज़्यादातर ये एक कन्वेंशनल है, यानी परंपरागत अगर हम संगठनों में देखते हैं तो नकारात्मक पर्यवेक्षण दिखाई देता है, जिसमें कार्मिकों की जो गलतियां हैं वो ढूंढी जाती है और अधीनस्थों में थोड़ा भय का वातावरण बना के रखा जाता है। तो जो ये पर्सपेक्टिव जो है पॉजिटिव, और जो ये विजन है पॉजिटिव और नेगेटिव विजन, ये एक तरीके से कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये दो प्रकार के पाए जाएंगे। पॉजिटिव सुपरविजन हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा एम्प्लॉय सेंटर्ड जो सुपरवाइज़र होते हैं, कार्मिक केंद्र जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, उनकी पर्यवेक्षण की जो शैली होती है वो पॉजिटिव सुपरविजन वाली होती है। और जो जॉब सेंट्रिक सुपरवाइज़र्स होते हैं, कार्य केंद्रित सुपरवाइज़र्स होते हैं, उनकी जो पर्यवेक्षण की जो शैली है वो थोड़ी सी नेगेटिव यानी नकारात्मक होती है, पनिशमेंट वाली और भय का वातावरण बना के रखने वाली। तो फ्रेंडली जो होता है वो सकारात्मक होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सुपरविजन की, पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण के जो प्रकार हैं वो बहुत सी जगह पे आपको दो तीन प्रकार नज़र आएंगे, जो मेजरली जो है आप अनेक बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें आपको नज़र आ जाएंगे। तो मेजरली जो है मूलभूत और जो है तकनीकी पर्यवेक्षण कहलाता है। यानी कि पहला जो पर्यवेक्षण है अगर हम डिवाइड करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूलभूत सब्सटेंटिव, मूलभूत पर्यवेक्षण यानी सब्सटेंटिव पर जो सुपरविजन होता है, मूलभूत सुपरविजन और सब्सटेंटिव सुपरविजन जो है ये इसका इंग्लिश वर्जन है। मतलब कि मूलभूत यानी वास्तविक पर्यवेक्षण यानी सब्सटेंटिव सुपरविजन। इसका अर्थ क्या होता है, संगठन जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण हुआ है उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है संगठन जो है उन्हीं लक्ष्यों के लिए अगर प्राप्ति हो रही है समय से उसका पर्यवेक्षण किया जाए तो वो कहलाता है मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण। यानी किसी संगठन की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो किया जाने वाला पर्यवेक्षण है वो मूलभूत या वास्तविक पर्यवेक्षण कहलाता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आप सचिवालय जाएँ तो वहाँ पर किसी सेक्शन में जाके, सचिवालय के किसी अनुभाग में जाके आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाके, अनुभाग के उस सेक्शन में जाके कार्य की जाँच करते हैं तो वो कहलाता है मूलभूत या सब्सटेंटिव सुपरविजन। दूसरा है तकनीकी पर्यवेक्षण यानी कि टेक्निकल सुपरविजन। तो टेक्निकल सुपरविजन डायरेक्टली संगठन के लक्ष्यों से संबंधित नहीं होता, ये संगठन में कार्य जो करने की तकनीक है, कैसे किस प्रकार से, किस तकनीक से संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है उससे संबंधित है। यानी तकनीकी पर्यवेक्षण जो है डायरेक्ट संगठन के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है, लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो तकनीक है, किस तरीके के तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे संबंधित है। यानी कि अगर हम देखें कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो वहाँ पे टाइपिस्ट जो है, क्लैरिकल स्टाफ जो है, टाइपिस्ट किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका जो कार्य करने का जो टाइम है किस प्रकार से वो कर पा रहे हैं, तो वो सुपरविजन जो है वो कहलाएगा तकनीकी सुपरविजन।
टेक्निकल सुपरविजन, यानी सब्सटेंटिव सुपरविजन और टेक्निकल सुपरविजन, यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संगठन के जो लक्ष्य हैं, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो किया जाने वाला पर्यवेक्षण है वो मूलभूत या सब्सटेंटिव पर्यवेक्षण कहलाता है, और संगठन के जो तरीके हैं संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो टेक्निक अपनाई गई है, जो तरीका जो अपनाया गया है वो उससे संबंधित जो पर्यवेक्षण होगा वो कहलाएगा तकनीकी पर्यवेक्षण। कुछ बुक्स में आपको एकल पर्यवेक्षण, बहुल पर्यवेक्षण, सूत्र पर्यवेक्षण और सूत्र एंड स्टाफ पर्यवेक्षण ये भी मिलेंगे। तो एकल पर्यवेक्षण का मतलब सीधा सा यही है कि अगर जो सुपरविजन करने वाला जो व्यक्ति है वो मतलब उच्च अधिकारी, एक उच्च अधिकारी अनेक अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करता है तो वो एकल सुपरविजन यानी कि सिंगल सुपरविजन कहलाता है। एक संगठन में बहुत सारे सुपरवाइजर्स हों और नीचे के अधीनस्थों का वो सुपरविजन करते हैं, यानी कि अनेक सुपरवाइजर, बहुल जो पर्यवेक्षण है उसमें बहुत सारे सुपरवाइजर्स मिलकर अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर अगर हम बात करें तो टेलर का जो कार्यात्मक फॉरमैनशिप की हम बात करते हैं तो कार्यात्मक फॉरमैनशिप इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है बहुल पर्यवेक्षण का। दूसरा है सूत्र और स्टाफ पर्यवेक्षण। तो सूत्र और स्टाफ पर्यवेक्षण का सीधा सीधा अर्थ है कि पद सोपान श्रृंखला से जुड़ा हुआ जो मूलभूत पर्यवेक्षण है वो कहलाता है सूत्र पर्यवेक्षण, और जो जबकि जो कार्यात्मक जो कार्यात्मक पर्यवेक्षण की बात हम करते हैं तो इसमें विशेषज्ञ द्वारा जो किया जाने वाला जो पर्यवेक्षण है वो कहलाता है कार्यात्मक पर्यवेक्षण। यानी सूत्र जो पर्यवेक्षण है, यानी लाइन सुपरविजन का मतलब है पद सोपान श्रृंखला से जुड़ा हुआ सीधा जो पर्यवेक्षण हो रहा है, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सीधे डायरेक्ट हम उसमें सूत्र जो लाइन सुपरविजन देखते हैं, DGP AGP जो सीधा हम देखते हैं वो वहाँ पे लाइन सुपरविजन दिखाई देता है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। और अगर हम कार्यात्मक फॉरमैनशिप की बात करें तो इसमें है जो पर्यवेक्षण जो काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ अगर किसी चीज़ का, जैसे मेट्रो ट्रेन जब बन रही थी दिल्ली में तो उस वक्त उसका जो सुपरविजन कर रहे, तो मेट्रोमैन श्रीधरन कर रहे थे, तो वही उसका सुपरविजन कर सकते। तो कार्य से संबंधित जो जानकारी है, जो टेक्निकल या जो संपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट को जो उसका पर्यवेक्षण कर रहे तो उस मेट्रोमैन श्रीधरन के निर्देशन में ही वो कार्य हो रहा था। तो ऐसे सुपरविजन को कहते हैं कार्यात्मक सुपरविजन, जो कार्य करने वाला जो विशेषज्ञ है वो उसका सुपरविजन करे और कोई अन्य व्यक्ति ना कर पाए, वही जो है एक्सपर्ट ही उसका सुपरविजन करे, उसे कार्यात्मक फॉरमैनशिप कहते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने टाइप्स की बात कर ली, टाइप्स में हमने मूलभूत पर्यवेक्षण यानी कि सब्सटेंटिव पर्यवेक्षण की बात की, जो कि एक वास्तविक पर्यवेक्षण होता है, संगठन के लक्ष्यों से सीधा सीधा निर्धारित, सीधा सीधा संबंधित होता है। दूसरा हमने टेक्निकल सुपरविजन यानी कि तकनीकी सुपरविजन की बात की, जो कि संगठन के लक्ष्यों में जो तकनीक है, जो तकनीक से संबंधित किस प्रकार के उपायों से संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है, तकनीक कौन से इस्तेमाल की जा रही है, तो वह है तकनीकी सुपरविजन यानी कि टेक्निकल सुपरविजन। हमने सिंगल सुपरविजन, और अगर एक ही सुपरवाइज़र कर रहा है सुपरविजन तो कहेगा उसे कहेंगे सिंगल सुपरविजन, और बहुत सारे सुपरवाइज़र्स अगर अधीनस्थों का जो है सुपरविजन पर्यवेक्षण कर रहे हैं तो वो बहुल सुपरविजन कहलाएगा। सूत्र पर्यवेक्षण क्या होगा, सूत्र पर्यवेक्षण में जो पद सोपान है उसमें डायरेक्ट पद सोपान श्रृंखला से जुड़ा हुआ जो पर्यवेक्षण है वो कहलाएगा लाइन सुपरविजन यानी सूत्र पर्यवेक्षण। और कार्यात्मक पर्यवेक्षण क्या होगा, जो विशेषज्ञ द्वारा, विशेषज्ञ जो है एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा जो किया जाने वाला सुपरविजन है वो कहलाएगा कार्यात्मक सुपरविजन यानी फंक्शनल सुपरविजन। तो ये टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स और टेक्निक्स की, सुपरविजन को अपनाने वाले, सुपरविजन को किस प्रकार से एफिशिएंटली जो है, कौन सी तकनीक्स हैं वो जिनके द्वारा सुपरविजन को किया जा सकता है, अच्छे से सुपरविजन को परफॉर्म किया जा सकता है। तो बेसिकली बहुत से टेक्निक्स हैं। मिलेट जो हमारे चिंतक रहे हैं, मिलेट ने काफ़ी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस भी किया है, तो लेट अस डिस्कस दोज टेक्निक्स। पहला है प्रायर अप्रूवल यानी कि पूर्व स्वीकृति। जैसे संगठन में प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, समन्वय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से संगठन में जो है सुपरविजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और सुपरविजन जो है इम्पॉर्टेंट है तो सुपरविजन को किस प्रकार से एनफोर्स किया जा सकता है, तो उसको करने का एक बहुत अच्छा जो प्रभावी जो तरीका है वो है प्रायर अप्रूवल यानी पूर्व स्वीकृति, यानी कि पर्यवेक्षण के लिए भी योजनाओं और कार्यों की जो है
पूर्व स्वीकृति एक बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि इस तकनीक से कार्य योजना शुरू करने से पहले ही पर्यवेक्षक को पता होगा कि कैसे कार्य किया जाना है, अधीनस्थों को पता होगा कि क्या कार्य करना है। तो पूर्व स्वीकृति से, प्रायर अप्रूवल से संगठन में जो तकनीक है उनको संगठन में सुपरविजन करना बहुत आसान होता है। ये बिल्कुल एक प्रभावी तकनीक होकर भी इसमें थोड़ा सा टाइम एंड कॉस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार समय से कार्य नहीं हो पाते। तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, प्रायर प्रूफ स्वीकृति जो है, प्रायर अप्रूवल है, जो एक अच्छी प्रभावी तकनीक है, लेकिन सभी तकनीक्स की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि सेवा और कार्यों का मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क जो होता है वो बेसिकली आप संगठन में जो कार्य किए जाने हैं, लक्ष्य जो निर्धारित कर दिया गया है, प्लानिंग जो हो चुकी है, उसको कार्य को करने के लिए उस कार्य का मानक यानी स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाए कि प्रतिदिन इतना परसेंटेज जो है, इतना जो कार्य है वो हो जाना चाहिए। यानी समय और लागत को ध्यान में रखे, टाइम एंड कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्य है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क जो है, वो एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है। इसके माध्यम से जैसे मान लीजिए ये निर्धारित कर दिया गया कि टाइपिस्टों को दिन में 4 पेजेस लिखने हैं, तो इससे जो सुपरवाइज़र है उसे बहुत आसान हो जाएगा कंट्रोल करना अपने अधीनस्थों को कि किस प्रकार से ये कार्यों का मानकीकरण है, या इस प्रोजेक्ट को इतने समय में, 1 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट इस महीने में पूरा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो कार्यों का मानकीकरण है, किस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करके वो काम होना चाहिए, तो मानकीकरण के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है पर्यवेक्षण को एनफोर्स करना, पर्यवेक्षण को परफॉर्म करना। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन वर्क जो है अधीनस्थों के लिए और उच्चस्थ दोनों के लिए बहुत एफिशिएंट वे है। दूसरा है बजट। संगठन में जो बजट होता है वो भी एक बहुत प्रभावी तकनीक है पर्यवेक्षण की, क्योंकि बजट जो है पूरा निर्धारित करता है कि समय और लागत से कार्य कैसे होने हैं, कब कार्य प्रारंभ होना है, कब कार्य को पूर्ण होना है। तो बजट जो है अपने आप में, कार्य का जो बजट है वो भी पर्यवेक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कंट्रोल करने की और इंस्पेक्शन करने की। देखिए, बेसिकली एक चीज़ और हमें समझनी है कि जो सुपरविजन है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें कि कंट्रोल भी आता है और उसमें सुपरविजन में इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण भी आता है, दिशा निर्देश भी आते हैं। यानी सुपरविजन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें नियंत्रण, निरीक्षण, दिशा निर्देश, परामर्श, ये सभी चीज़ें, ये चारों बातें पर्यवेक्षण में आती है। यानी पर्यवेक्षण में सिर्फ कंट्रोल नहीं है, पर्यवेक्षण में कंट्रोल भी है, पर्यवेक्षण में दिशा निर्देश भी है, सुधार भी है, परामर्श भी है, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निरीक्षण, इंस्पेक्शन भी है। तो इंस्पेक्शन, हम कहते हैं कई बार इंस्पेक्शन हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो डेट इज़ ओनली अ सिंपल पार्ट, सिंगल पार्ट ऑफ सुपरविजन। यानी कि सुपरविजन जो है, सुपरविजन का मतलब है कि उसमें इंस्पेक्शन भी है, कंट्रोल भी है, और जो संगठन में दिशा निर्देश होते हैं या सुधार होते हैं, त्रुटियों में जो सुधार है वो सभी शामिल होता है। तो सुपरविजन एक ब्रॉड कंसेप्ट है। अब बात करते हैं बजट के बाद में जो तकनीक, हम बात कर रहे थे तकनीकों की, कौन सी तकनीक है पर्यवेक्षण में जो तकनीकों के माध्यम से कंट्रोल हो सकता है। तो हमने पहले तकनीक की बात की थी कि प्रायर अप्रूवल, यानी कि जो है पूर्व स्वीकृति ली जाए, और कार्य का मानकीकरण हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हो, तीसरा है बजट, और चौथा है जो अपॉइंटमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो अगर संगठन में सबॉर्डिनेट्स को चुना जाना है, उन सबॉर्डिनेट्स का अपॉइंटमेंट अगर उच्चस्थों के हाथ में हो तो भी पर्यवेक्षण बहुत आसान हो जाता है। ऐसा अनेक ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जिसमें उच्चस्थ का जो सिलेक्शन होता है वो तो हायर अथॉरिटीज़ जैसे यूपीएससी आरपीएससी करते हैं, लेकिन जो सबॉर्डिनेट्स है उनका जो चयन है वो कई बार उच्चस्थों के हाथ में होता है, तो आसानी हो जाती है पर्यवेक्षण करने में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके बाद है प्रतिवेदन। जो कार्य किया जाना है, लक्ष्य जो निर्धारित कर दिए गए हैं, वो कार्य और लक्ष्य निर्धारित करते हुए समय जो प्रतिवेदन प्राप्त होता है कि इस 6 महीने की कार्य रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट आती है, उससे भी पर्यवेक्षण बहुत आसान हो जाता है कि संगठन ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कब तक करी और कितना कर पाए। तो रिपोर्टिंग जो है, प्रतिवेदन जो है, रिपोर्ट के माध्यम से जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति का जो निकल कर आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है।
चौथा है इंस्पेक्शन, समय समय पे उच्चस्थ द्वारा संगठन के जो उच्चस्थ कार्मिक है उनके द्वारा समय समय पे जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके माध्यम से संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है ये पता लगने के लिए निरीक्षण जो है समय समय पे सुपीरियर्स जो निरीक्षण करते हैं इंस्पेक्शन करते हैं उसके माध्यम से सुपरविजन आसान हो जाता है। ये सब टेक्निक्स हैं सुपरविजन की। अब हम बात करते हैं सुपरवाइज़र की। जो सुपरविजन जो करता है वो सुपरवाइज़र होता है, पर्यवेक्षक होता है, और पर्यवेक्षक जो होता है वो किस प्रकार से पर्यवेक्षक की जो काम करने का तरीका है यानी स्टाइल्स कौन सी होती है, फंक्शंस कौन से होते हैं, और एक गुड सुपरवाइज़र के क्या गुण होते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो पर्यवेक्षक के जो कार्य हैं यानी कि पर्यवेक्षक जो है उसके जो कार्य हैं जैसे वास्तविक जो कार्य है वो तीन प्रकार के होते हैं यानी कि वास्तविक जो कार्य होते हैं संगठन के डायरेक्ट जो लक्ष्य हैं उनसे संबंधित जो कार्य है वास्तविक कार्य वो कहलाते हैं जो संगठन के लक्ष्यों से सीधे सीधे संबंधित होते हैं, जिस चीज़ के लिए संगठन का निर्माण हुआ। यानी जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग का कार्य है शिक्षा का प्रसार करना या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शिक्षा का प्रसार हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर हो जाए, ये शिक्षा विभाग का कार्य है। तो ये सीधा वास्तविक पक्ष है यानी कि वास्तविक जो कार्य से संबंधित जो पर्यवेक्षण हो रहा है वो वास्तविक पर्यवेक्षण है। दूसरा है संस्थागत पक्ष से संबंधित और कार्मिक पक्ष से संबंधित। तो संस्थागत में और भी कार्य होते हैं वो कार्य सम्मिलित हो जो संगठन के जो नियम है, संगठन जो बनाया गया है उसके नियम है, क्रियाविधि है, अनुरूपता के अनुसार। तो संगठन के जो वास्तविक उद्देश्य है और अधीनस्थों को उन उद्देश्यों को किस प्रकार से समझना है तो ये सब संस्थागत पक्ष से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार का जो पर्यवेक्षण किया जाता है सुपरवाइज़र के द्वारा वो संस्थागत पक्ष से संबंधित होता है। तीसरा है कार्यात्मक पक्ष से संबंधित यानी कि तीसरा है कार्मिकों से संबंधित यानी कि जो अधीनस्थ है वो अधीनस्थों में और उच्चस्थों में जो आपस में मानवीय संबंधों की जो किस प्रकार से व्याख्या करनी है या मानवीय संबंध को स्थापित करना या पर्यवेक्षक और अधीनस्थों के बीच में किस प्रकार से जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना तो ये कहलाता है मानवीय पक्ष से संबंधित या कार्मिक पक्ष से संबंधित। तो पर्यवेक्षक जो है एक संस्था में वास्तविक यानी मूलभूत पर्यवेक्षण करता है, संस्थागत पक्ष से संबंधित पर्यवेक्षण करता है और तीसरा कार्मिक पक्ष से संबंधित पर्यवेक्षण करता है। ये उसके कार्य होते हैं। कार्यों के साथ हम बात करते हैं किस प्रकार से कार्य करने वाला जो पर्यवेक्षक है वो किस प्रकार से कार्यों को परफॉर्म करता है, उसके कार्य करने का खुद पर्यवेक्षक के सुपरवाइजर के कार्य करने का तरीका क्या है। स्टाइल्स ऑफ सुपरवाइजर या स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन भी हम इसे कह सकते हैं या पर्यवेक्षक की जो कार्य की शैलियां हैं, पर्यवेक्षण की जो शैलियां हैं या पर्यवेक्षक जो है सुपरवाइजर जो है जो कौन सी शैलियों का इस्तेमाल करता है तो इसमें दो प्रकार की शैलियां आती है, जॉब सेंट्रिक सुपरवाइजर या सुपरविजन या एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर या सुपरविजन यानी कि कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक या कार्मिक केंद्रित पर्यवेक्षक। तो कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक किस प्रकार का होता है, कार्य करवाने के लिए भारी दबाव देने वाला, अधीनस्थों पर कम विश्वास रखने वाला, नज़दीकी और व्यापक पर्यवेक्षण करता है, निर्णयों में अधीनस्थों की जो भूमिका है या सहभागिता है उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। कार्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला जो पर्यवेक्षक होता है वो जॉब सेंट्रिक या कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक होता है। दूसरा जो है वो होता है एम्प्लॉय सेंट्रिक यानी कि कार्मिक केंद्रित जो पर्यवेक्षक है वो यानी अधीनस्थों पे कम दबाव रखता है, सामान्य जनरल सुपरविजन करता है, अधीनस्थों पे विश्वास होता है, निर्णय में अधीनस्थों की सहभागिता सुनिश्चित करता है और कार्य से ज़्यादा उसका उत्तरदायित्व पर ध्यान होता है और गलती या समस्या होने पर वो उसमें सुधार पॉजिटिव तरीके से यानी कि पॉजिटिव सुपरविजन से उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। निर्णयों में जो निर्णय होता है डिसीजन मेकिंग होती है उसमें एम्प्लॉयज़ की अधीनस्थों की जो है सहभागिता सुनिश्चित करता है। तो ऐसा जो सुपरवाइज़र होता है या जो ये कार्य करने की जो शैली है वो है एम्प्लॉय सेंटर्ड यानी कार्मिक केंद्रित सुपरविजन। इस प्रकार से सुपरविजन की बहुत सी बातों बहुत सी टेक्निक्स की और बहुत सी प्रकारों की बहुत सी शैलियों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं टेक्निक क्वालिटीज़ ऑफ गुड सुपरवाइज़र, एक अच्छे सुपरवाइजर्स के क्या गुण हैं। तो सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों ने इसके डेफिनेशन दी, हम प्रिफनर जो हमारे चिंतक रहे उनके जो उन्होंने गुणों की बात की हम उनकी बात करते हैं। तो क्वालिटीज़ में उन्होंने कहा कि कार्य से संबंधित अपने कार्य से जिस कार्य का उसे सुपरविजन करना है उसे उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
तो यानी कि कार्य से संबंधित उसे संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसमें कुछ व्यक्तिगत योग्यताएं भी होनी चाहिए, एक अच्छा अनुशासक, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसका जो कैरेक्टर है दृढ़ चरित्र होना चाहिए, डिटरमाइंड पर्सन होना चाहिए, साहस होनी चाहिए, उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए, और एक अच्छे शिक्षक की जो है योग्यताएँ होनी चाहिए, उसमें बौद्धिक सतर्कता हो, नवाचार के प्रति वो एक रुचि पैदा करने वाला और नैतिक और समझदार व्यक्ति सुपरवाइज़र होना चाहिए। इस प्रकार जो सुपरवाइज़र जो होते हैं वो किस प्रकार से एक सुपरविजन की जो शैली है यानी सुपरविजन जो है वो किस प्रकार से संगठन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टेक्निक है, जिसमें कंट्रोल भी आ रहा है, इंस्पेक्शन भी आ रहा है, कार्यों में संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में जो कार्यों में जो गलतियाँ हो रही है उसमें सुधार भी है, यानी कि अपने आप में सुपरविजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन का सिद्धांत है। आई होप कि आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आप इसे थोड़ा सा 2-3 बार और पढ़ेंगे तो आप इसे जनरली अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।